श्यामू, पता नहीं इस बाढ़ से हम लोगों को कब छुटकारा मिलेगा। भगवान के कोप से हमें कौन बचाएगा? नहीं नहीं, ये भगवान का कोप नहीं है रामू, ये तो हम लोगों के लोभ का दुष्परिणाम है। लोभ का दुष्परिणाम? आखिर वो कैसे? हम लोगों ने स्वार्थवश जंगलों को काटकर और नदियों को मोड़कर खेत और घर बना दिए हैं। इससे पानी को बहने की कम जगह मिलती है और आखिर में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। आखिर हम बचे कैसे? हमें नदी तट या समुद्र तट से कम 250 मीटर दूर मकान बनाना चाहिए। बाढ़ की संभावना वाले सभी क्षेत्रों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पर हम घर कहाँ बनाएं? देखो रामू, हमें घर या गांव को बाढ़ के स्तर से भी ऊंची जगह पर बनाना चाहिए। बड़ी नुकसानदायक है ये बाढ़। हाँ, लेकिन बाढ़ से लाभ भी हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ का पानी अपने साथ काप मिट्टी लाता है। बाढ़ का पानी हटने पर यह मिट्टी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है रामू, नदी के किनारे के क्षेत्रों में फसल अच्छी होती है। हाँ श्यामू, लेकिन बाढ़ से जल स्तर भी तो बढ़ जाता है। हाँ सही कहा तुमने रामू, लेकिन अगर बाढ़ से नुकसान है तो लाभ भी तो है। हाँ श्यामू, हम सही कदम उठाकर बाढ़ के प्रकोप से बच सकते हैं। बिल्कुल, मैं संकल्प लेता हूँ कि इस जानकारी को सभी तक पहुँचाऊंगा और मिलकर इन उपायों पर अमल करूंगा। ये हुई ना बात।